वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। 3 फरवरी 2024 श्री कृष्ण गोपाल त्रिपाठी जी का स्मृति दिवस। यह अवसर था विचार को साकार करने का। जिस पहल की शुरुआत हुई थी गत वर्ष यानी 2023 में, जब ग्राम पचनेही के सरकारी स्कूल में एक विचार से प्रेरित होकर एक कदम बढ़ाया गया। यह कदम था नए रंग रूठों के मन में वैचारिक क्यारी लगाने का, और विचार था श्री रामचरितमानस को नौजवानों के मानस तक पहुंचाने का। इस वर्ष भी गत वर्ष की भांति यह प्रयास जारी रहा, जिसके लिए श्री राजेश सिंह AITO कानपुर ने अपना स्नेह संदेश हमें भेजा है। परमादरणीय स्वर्गीय श्री कृष्ण गोपाल शास्त्री जी की स्मृति में आदरणीय लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी और उनके परिजन जो ग्राम पचनेही में शनिवार दिनांक 3 फरवरी को हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के संदर्भ में प्रतियोगिता को जो आयोजन करा रहे हैं, वह हमारे लिए एक बहुत ही स्मरणीय और गौरव का विषय है। इस आयोजन से न केवल हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है उससे परिचित होते हैं, अपितु जो संस्कार हैं, जो हमारे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार हैं, उनसे भी भलीभांति परिचित होते हैं। इस आयोजन के लिए मैं पंडित लक्ष्मीकांत शास्त्री त्रिपाठी जी और उनके समस्त परिजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जब विचार शक्ति यथार्थ रूप लेती है, तब समाज के हर वर्ग से आपके कार्य को समर्थन प्राप्त होने लगता है। ऐसा ही एक संदेश हमें प्राप्त हुआ है श्री उमा शंकर पांडे जी का, जो पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। पुत्र बहुत भाग्यवान है जो पिता के नाम को, यश को, कीर्ति को उसके जाने के बाद याद करता है। और मैं आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, आपके लिए एक सम्मान आपके घर के होंगे, उमाकांत जी हैं, राजा भैया हैं, लेकिन आदरणीय लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी की प्रतिभा, अगर राजा बाबू सिंह जी का नाम लिया जाए पचनेही में, आदरणीय अपने यादव जी का नाम लिया जाए, पंकज जी का नाम लिया जाए, राजेश जी का नाम लिया जाए, तो मुझे लगता है उस नाम की कड़ी में बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हैं। वो आपको शायद जो लोग जानते हैं, समझते हैं, एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं देश के, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में वहाँ के राज वैद हैं, और हाथों का जो भविष्य है उसके पूरे देश के जो ज्योतिष के जानने वाले हैं, भविष्य के जानने वाले हैं, उस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपके गांव का जन्मा, पटनी गांव का जन्मा आदरणीय लक्ष्मीकांत त्रिपाठी करते हैं। मेरे आज से संबंध नहीं है, मैं 1992-93 से आपके लीग को पढ़ते थे, डॉक्टर से शुरू हुआ था, तो हम लोग सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं। आज बहुत कहने का समय नहीं है, लगातार हम सब लोगों ने सुना है, जितना कुशल संचालन आपने किया है, रामायण रामायण नहीं है, संस्कार है, सनातन है, धर्म है। और जब सामाजिक सहयोग बढ़ता है, तब शासन प्रशासन भी निमित्त की भांति कार्य को सफल बनाने और यथासंभव सहायता एवं मार्गदर्शन में अभिरुचि रखता है। इसी की मिसाल हैं DDO बांदा श्री रमा शंकर सिंह। हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी के सौजन्य से एक अनूठे प्रयास किया गया है कि हमारे किसी भी देश की पहचान उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति से होती है। यदि हम अपने भारत देश के प्राचीन काल में जाएं, प्राचीन इतिहास को पढ़ें, तो यह पता चलता है कि हमारा भारतीय इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली रहा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम लोग पश्चिम के देशों का अनुकरण करने लगे,
खासतौर से यूरोपीय देशों का अनुकरण करने लगे, आधुनिकता के दौड़ में शामिल होने लगे, धन कमाने की लालसा बढ़ती गई, तो अपनी सभ्यता और संस्कृति से धीरे धीरे दूर होने लगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र को घर घर पहुंचाने में आप सबके सहयोग की हम सराहना करते हैं तथा यह क्रम जारी रहे यही कामना करते हैं। धन्यवाद।